अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम लोग लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर रहे थे, तो उसके कुछ पार्ट्स अभी हुए थे, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं भी कवर करेंगे। तो अब हम लोग उसी के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 14 है, 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आज मैं आपके साथ 2 या 3 पार्ट्स और शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक्सरसाइज है हमारी 1.3 और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का और एक्सरसाइज है 1.3। तो इसका अब मैं आपके साथ जो पार्ट शेयर करूँगा वो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा आज। सो देखते हैं इसे। सो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास ऊपर 2 से बल्कि 3 मैट्रिसेस दिए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। इन तीनों मैट्रिसेस को हम लोगों ने नीचे दी गई इक्वेशंस में सॉल्व करना है ताकि हम लोग अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन 5 का वो है सी माइनस बी ब्रैकेट्स यूज है और माइनस क्या किया हुआ उन्होंने ए। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वल के उस तरफ क्या है ए सी माइनस ए, सी माइनस ए यहाँ पर भी ब्रैकेट्स यूज की गई है इन दोनों के लिए और ऑपरेशन है हमारे पास आगे माइनस का और साथ है हमारे पास दिया हुआ बी। सो ये है क्लास हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 क्वेश्चन 5 का। सो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये मैं जरा सही तरीके से लिखूं, सी माइनस ए और आगे फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये है क्लास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के उस तरफ ये है राइट हैंड साइड। हमने इसको वेरीफाई करना है, किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ये वाली सी माइनस बी ब्रैकेट में है और फिर आपके पास माइनस का ऑपरेशन यूज है और बाद में आपके पास ए है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये आप लोगों को पता चल चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी और राइट हैंड साइड कौन सी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी माइनस बी माइनस ए, ये है हमारे पास क्लास लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो क्वेश्चन में हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन हैं
ए बी और सी इनका यूज करेंगे। सो सी की जगह हम लोग सी मैट्रिक्स लिखेंगे, बी की जगह बी मैट्रिक्स और ए की जगह ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मैट्रिक्स लिख लेते हैं, सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 0, -1 0 0, 0 माइनस टू थ्री, 0 माइनस टू थ्री, ये थोड़ी सी स्पेस से लिख लेते हैं, 0 माइनस टू एंड थ्री, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 1 टू, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स आ चुका है, ये सी की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया है, ठीक है, इस सी की जगह। अब हम लोगों ने क्या करना है, माइनस का ऑपरेशन यूज किया। अब हमने आगे बी मैट्रिक्स लिखना है, बी मैट्रिक्स के बाद एज इट इज हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, माइनस का ऑपरेशन यूज है, और आगे आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो है। अब सी बी का मैट्रिक्स आप लोग लिखेंगे, ठीक है। बी मैट्रिक्स होगा 1 -1 1, 1 -1 1, ठीक है, 2 -2 2, 2 -2 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3 1 3, 3 1 एंड 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में हम लोग ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो है 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, और नेक्स्ट है हमारे पास 1 -1 0, 1 -1 और 0। तो ये मैंने इन सब के मैट्रिसेस जो ऊपर दी गई थी हमें, जिनसे रिप्रेजेंट किया गया है मैट्रिक्स को, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो मैंने उनको उनकी जगह पे उनके मैट्रिसेस लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी, आप लोग ब्रैकेट का निशान यूज करेंगे, और आप लोग अब इन पे क्या करेंगे, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों मैट्रिसेस के ऊपर। इन दो मैट्रिसेस पे माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कैसे, -1 ± -, दैट इज -1 0, -± + दैट इज +1 0, ±, दैट इज -1, फिर आगे 0 -2 -2 + 2, ठीक है, 3, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, -2। ये मैं इसलिए आप डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसकी काफी प्रैक्टिस कर ली है, इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की मैट्रिसेस। आगे आ जाएगा 1 -3, 1 -1 एंड 2 -1, 2 -3, सॉरी, ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखें, हम लोग साइड पे लिख लेंगे ए का मैट्रिक्स जो कि ऊपर गिवन है। तो ऊपर ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज हम लोग उतार लेंगे, किस तरह, 1 2 3 है हमारे पास, फिर हमारे पास 2 3 1 है, 2 3 1 हमने लिख लिया, फिर 1 -1 0 है, 1 -1 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब पहले हम लोग इसको परफॉर्म कर लेते हैं। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर्स आ जाएंगे इन मैट्रिसेस को सॉल्व करने से, वो ये होंगे, 1 -1 -1, दैट इज -2, +0 + 1, दैट इज 1, 0 - 1, दैट इज -1, 0 - 2, दैट इज -2, -2 + 2, दोनों कैंसिल, दैट इज 0, 3 - 2, दैट इज 1,
वन माइनस थ्री डैट इज माइनस टू, वन माइनस वन डैट इज ज़ीरो, टू माइनस थ्री डैट इज माइनस वन। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। अब माइनस का ऑपरेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज हम लोग नीचे उतारेंगे और फिर हम लोग आगे किसका मैट्रिक्स लिख देंगे, ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग कौन सा मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन एंड ज़ीरो, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी टू टाइम्स आपकी सब्ट्रैक्शन जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। टू टाइम्स आपने सब्ट्रैक्शन यूज़ किया, इनको पहले इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ब्रैकेट यूज़ हुई थी, इन दो को इसलिए सब्ट्रैक्ट पहले किया, जो इनका आंसर होगा उसको ए से सब्ट्रैक्ट कर देने आप लोगों ने, एज यू नो दैट, ठीक है। आगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। आगे आ जाएगा माइनस टू माइनस टू, ज़ीरो माइनस थ्री, वन माइनस वन। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन एंड माइनस वन माइनस ज़ीरो। सो ये आपके पास ये आ गया, इसका हमने इनके माइनस को हमने सॉल्व किया, ठीक है। इनके माइनस को सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, कम है, तो आप ऐसा करें कि मैं इन फर्स्ट टू इस स्टेप को रेस करूँगा और फिर मैं आपको ऊपर इसका आंसर जो है फाइनल निकालूंगा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ और इसकी जगह आपको वही वाला एक स्टेप जो हमारा रह गया वो परफॉर्म करेंगे अंदर। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये मैं सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू माइनस वन डैट इज माइनस थ्री, वन माइनस टू डैट इज माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री डैट इज माइनस फोर, ठीक है। माइनस टू डैट इज माइनस फोर, माइनस माइनस थ्री डैट इज ज़ीरो, डैट इज माइनस थ्री डैट इज वन एंड डैट इज माइनस वन। सो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ चुका है, आप लोग इसे नोट कर लें और ताकि हम लोग इसके राइट हैंड साइड भी फिर करते हैं सॉल्व और फिर उसके आंसर को इसके साथ हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या ये प्रॉपर आया है या नहीं, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, माइनस फोर माइनस थ्री, ज़ीरो माइनस थ्री, वन माइनस वन। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब मैं इस सारे को इरेज करूँगा लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम लोग राइट हैंड साइड को परफॉर्म करेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अगर मैं देखूँ राइट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, सी माइनस ए ब्रैकेट्स माइनस बी, एज इट इज सी माइनस बी माइनस ए था, यहाँ सी माइनस ए माइनस बी है। ये आप लोग खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं पर इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सी माइनस ए, ताकि आपका एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट यूज हुई हुई है, मैंने ब्रैकेट यूज की, अंदर मैं दो मैट्रिसेस की जगह बना लेता हूँ, माइनस का ऑपरेशन है, फिर ब्रैकेट यूज है, माइनस का ऑपरेशन है और फिर आगे आपकी एक और मैट्रिक्स आ गया, ये हमने फॉर्म बना ली। अब हम लोग इसमें मैट्रिसेस पुट कर देते हैं। अब हमने सी का मैट्रिक्स पुट करना है, कौन सा, सी का मैट्रिक्स क्या था, माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो,
जीरो माइनस टू थ्री, जीरो माइनस टू थ्री, ठीक है, वन वन टू, वन वन एंड टू, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास एक सी का आ गया। अब हमने ए मैट्रिक्स लिखे हैं। ए मैट्रिक्स किस तरह है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री वन, टू थ्री वन, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन एंड जीरो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स क्या है, वन माइनस वन वन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू माइनस टू टू, टू माइनस टू एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री वन थ्री, थ्री वन एंड थ्री। ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे। सो मैंने दो ब्रैकेट्स यूज कर ली, माइनस का ऑपरेशन और साथ एक और मैट्रिक्स जो कि इनको हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, माइनस वन माइनस वन, प्लस माइनस माइनस, दैट इज ऑल्सो माइनस वन, ठीक है। जीरो माइनस टू, जीरो माइनस थ्री, ठीक। और ये आ जाएगा आपके पास जीरो माइनस टू, ये माइनस टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन। नेक्स्ट आ जाएगा वन माइनस वन, वन प्लस वन एंड टू माइनस जीरो। और नेक्स्ट एज इट इज मैट्रिक्स तो आपने क्या कर, वन माइनस वन, वन टू माइनस टू, टू थ्री वन थ्री। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, या माइनस टू, नेक्स्ट भी माइनस टू, नेक्स्ट माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस फाइव, टू ज़ीरो, ये भी टू और ये भी टू। अब माइनस कर देना है हमने साथ वाला ह्यूमन मैट्रिक्स, क्या है, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इजी है, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस थ्री माइनस वन, माइनस टू माइनस टू, माइनस फाइव प्लस टू, ठीक है, टू माइनस टू, ज़ीरो माइनस थ्री, टू माइनस वन, टू माइनस थ्री। ये हमारे पास आ गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया हमने। अब हम लोग आंसर फाइनलाइज करने लगे हैं। सो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस वन, और आगे हमारे पास माइनस फोर, फिर आगे हमारे पास माइनस फोर माइनस थ्री ज़ीरो, आगे आ जाएगा माइनस थ्री वन, माइनस थ्री पीछे आ जाएगा माइनस थ्री वन, और आगे माइनस वन। सो क्या ये हमारी वही लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है जो हमने पहले की, जी हाँ आया है, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड साइड। सो इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, मेरे पास स्पेस का मैं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हिंस वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड लिखते, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखना है हिंस वेरीफाइड, ठीक है।
मेरे पास चूंकि बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप मिटा के तो आंसर फाइनलाइज किया था, लेकिन राइट हैंड साइड आपकी पूरी आ चुकी है तो आप लोग देख रहे हैं। सो ये था हमारा आज का लॉन्ग जो हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक और इसका पार्ट शेयर करूंगा जो कि है पार्ट नंबर 10। ठीक है, वो आप लोग इस साथ सॉल्व कर। सो पार्ट नंबर 10 कौन सा है? पार्ट नंबर 10 है 2a+2b, 2a+2b इक्वल्स टू 2 into a+b, 2 into a+b। सो ये है हमारा पार्ट नंबर 10। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a+2b। ए की जगह हम लोग उसका ही गिवन मैट्रिक्स जो के क्वेश्चन में है वो पुट करेंगे, और बी की जगह भी हम लोग स्टेटमेंट के अंदर जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वही पुट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 as it is जैसे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको हमने एज इट इज लिख लिया। और मैट्रिक्स जो है ए का हम लोग लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या है? ए का मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, आगे 1 -1 0, 1 -1 0। सो ये है ए का मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे जो क्या है दरमियान में प्लस का। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स जो के बी का है, सबसे पहले तो आप लोग ये 2 लिख लें साथ जो इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है वो है 1 -1 1, 1 -1 1, 2 -2 2, 2 -2 एंड 2, और नेक्स्ट है हमारे पास 3 1 3, 3 1 एंड 3। सो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स, मैंने की जगह पे ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लिया और बी की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ हर एक एंट्री को। ठीक है, हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह ही इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एंट्री को 2 के साथ। इस तरह 1 into 2, 2 into 2 एंड 3 into 2। ठीक, 2 into 2, 1 into 2, 3 into 2, -1 into 2, 1 into 2 एंड 0 into 2। सो ये मैंने मैट्रिक्स को, सारे मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो बाद में मैंने लिखा है ये 2 ये वाला है जिसके साथ सारी एंट्रीज को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब मैं इसी तरह इस मैट्रिक्स के साथ करूंगा कि 2 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे भी 1 into 2, -1 into 2, 1 into 2, 2 into 2, -2 into 2 एंड 2 into 2, ये हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये मैं थोड़ा देर मीट में करके लिख लूँ, -2 into 2। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 into 2, 1 into 2 और 3 into 2। ठीक है, सबको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ऑपरेशन वैसे ही रहेगा और 2 के साथ सबको, ऑपरेशन वैसे ही रहेगा और 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 2 डेट इज 2। ठीक है, 2 into 2 डेट इज 4, 3 into 2 डेट इज 6, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 1 into 2 2, 1 into 2 2, -1 into 2 डेट इज -2 एंड 0 into 2 डेट इज 0। अब नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है सबको, 1 into 2 दैट इज 2, -1 into 2 दैट इज -2,
वन इंटू टू डेट इज टू, टू इंटू टू डेट इज फोर, थ्री इंटू टू डेट इज सिक्स, माइनस टू इंटू टू डेट इज माइनस फोर, वन इंटू टू डेट इज टू, टू इंटू टू डेट इज फोर एंड थ्री इंटू टू डेट इज सिक्स। सो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करने से दो मैट्रिसेस आ चुके हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है ये प्लस का, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर देना है। प्लस कैसे करना है कि इसी की पोजीशन की एंट्री जो नेक्स्ट मैट्रिक्स में है उनके साथ हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। जैसे कि टू ये वाला प्लस कर देना है हमने इसी पोजीशन की एंट्री ये वाली टू से, ठीक है। अब देखें फोर प्लस माइनस माइनस, और इसी पोजीशन की एंट्री टू माइनस टू थी तो प्लस माइनस माइनस पहले इसका आ गया साइंस का मल्टीप्लाई, और फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे इसके साथ ऐड जो कि टू आ जाएगा। सिक्स प्लस और नेक्स्ट हमारी एंट्री टू, ठीक है। आगे ऐसे ही फोर प्लस फोर, सिक्स माइनस फोर एंड टू प्लस फोर, टू प्लस सिक्स माइनस टू प्लस टू एंड ज़ीरो प्लस सिक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, मैं ये वाली जो है इसको इरेज करूँगा इस स्टेप को, और इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। आपने इसी की तरह इस सब स्टेप्स को फॉलो करना है। फाइनलाइज आंसर करने लगा हूँ मैं, टू प्लस टू क्या होगा फोर, फोर माइनस टू डेट इज टू, सिक्स प्लस टू डेट इज एट, फोर प्लस फोर डेट इज एट, सिक्स माइनस फोर डेट इज टू, टू प्लस फोर डेट इज सिक्स, टू प्लस सिक्स डेट इज एट, टू माइनस टू दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर क्या आ जाता है हमारे पास जीरो, जीरो प्लस सिक्स डेट इज सिक्स। सो ये हमारे पास क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर उस राइट हैंड साइड के आंसर के क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली, ठीक है। क्या आ गई, टू इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए की जगह ए का मैट्रिक्स हम पुट करेंगे, बी की जगह बी का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टू एज इट इज रहने दें जो आपके पास गिवन है, और फिर आपने क्या करना है वही ब्रैकेट यूज करनी है जो आपके पास क्वेश्चन में यूज हुई है, ठीक है। ए का मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, प्लस कर देंगे बी का मैट्रिक्स, नेक्स्ट वही आपकी क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है वही यूज की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ए का मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, प्लस कर देंगे हम लोग बी का मैट्रिक्स जो कि है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 1 3, 3 1 एंड 3। अब सबसे पहले हम लोग ने ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ब्रैकेट्स यूज हुई हुई है, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले फंक्शन को परफॉर्म करना है, यानी ये जो प्लस का ऑपरेशन है सबसे पहले आप लोग इसे परफॉर्म करेंगे। टू एज इट इज रहने देंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड किस तरह करेंगे, हर एंट्री को उसी पोजीशन की दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री के साथ ऐड करना है। जैसे वन इस मैट्रिक्स का प्लस करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स की, उसी पोजीशन की एंट्री भी वन है तो हम लोग ऐड कर देंगे। टू ये वाली पोजीशन, प्लस माइनस माइनस और टू प्लस वन आ जाएगा। वन चूंकि हमारे पास प्लस माइनस माइनस हमने साइंस को मल्टीप्लाई करने से
फाइंड किया, ठीक है। आगे आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस उसी पोजीशन की एंट्री जो कि 1 है, 2 प्लस 2 सेम लाइक दैट, 3 माइनस 2 एंड 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 3। ये हमारे पास हमने इनको ऐड पर इन पे हमने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर फाइनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 0 एंड 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने इतना सॉल्व कर लिया, अब मैं कुछ स्टेप्स को इरेज करूँगा और उनकी जगह नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि जो स्पेस है वो कम है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट करें, वीडियो को पॉज लगाएं और नोट करें, और नेक्स्ट हम लोग दो स्टेप्स जो रह गए हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये दो स्टेप्स रेज कर रहा हूँ, ठीक है। इन दो स्टेप्स को मैंने रेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऊपर जो है एक्स्ट्रा जो रह गए हैं स्टेप्स वो करने लगा हूँ, ठीक है। सो ये मैं अब क्या करने लगा हूँ, इस 2 से मैट्रिक्स को क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 इंटू 2 इस तरह, 1 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2, ठीक, एंड 1 इंटू 2, नेक्स्ट इज 3 इंटू 2, 2 इंटू 4, बल्कि सॉरी 4 इंटू 2, 0 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सारे मैट्रिक्स को, अब मैं इन्हें ओपन करने लगा हूँ मल्टीप्लीकेशन को। इस तरह करेंगे 2 इंटू 2 डेट इज 4, 1 इंटू 2 डेट इज 2, 4 इंटू 2 डेट इज 8, 4 इंटू 2 डेट इज 8, 1 इंटू 2 डेट इज 2, 3 इंटू 2 डेट इज 6, 4 इंटू 2 डेट इज 8, 0 इंटू 2 डेट इज 0 एंड 3 इंटू 2 डेट इज 6। सो आप लोग देख रहे हैं कि हमारी राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। सो जब आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आपने नीचे लिख देना है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हिंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आपके वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों के जितने इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स रह चुके हैं वो आप लोग खुद करेंगे होमवर्क के तौर पे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को समझा होगा वीडियो से, तो आप लोग इजीली बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो इजीली परफॉर्म कर लेंगे और उनके आंसर वेरीफाई कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।